खबर शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अजय कुमार लल्लू को आगरा से ले गई लखनऊ पुलिस, तो आगरा में जमानत, अब लखनऊ में होगी लल्लू की पेशी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लल्लू के खिलाफ लखनऊ में भी दर्ज हुआ है केस, तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कांग्रेसियों और पुलिस में जबरदस्त भिड़ंत हुई आगरा में। अजय लल्लू को कांग्रेसियों ने छुड़ाने का प्रयास किया, दर्जनों कार्यकर्ता गाड़ी के आगे लेटे, तो वही कई कांग्रेसी घायल हो गए हैं, पुलिस के हाथ पैर फूले हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अजय कुमार लल्लू को जब गिरफ्तार किया जा रहा था तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो गाड़ी के आगे लेट गए और वहीं पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। तो कांग्रेसियों और पुलिस में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है। अजय कुमार लल्लू को कांग्रेसियों ने छुड़ाने की काफी कोशिश की, दर्जनों कार्यकर्ता गाड़ी के आगे लेटे हुए नजर आए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता गाड़ी को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस वजह से कई कार्यकर्ता घायल हो गए और पुलिस के हाथ पैर फूले। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो गाड़ी के आगे लेटे हुए नजर आए, और तो और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो भी गाड़ी के आगे बैठती हुई साफ तौर पर नजर आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने सभी को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता वो मानने को तैयार नहीं थे। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर एक महिला खुद गाड़ी के आगे बैठी हुई नजर आई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भरपूर कोशिश कर रहा है को बाहर को अलग हटाने की, लेकिन कार्यकर्ता है कि वो मानने को तैयार नहीं है। तो के न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अजय कुमार लल्लू को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में और पुलिस में काफी भिड़ंत हुई। संवाददाता आगरा से अजिंद्र चौहान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजिंद्र, आपसे फिलहाल का अपडेट जानना चाहेंगे। देखिए, कोर्ट परिसर का ये बाहर का पूरा नजारा है, जहां पर कांग्रेसियों ने जमकर पुलिस से भिड़ंत हुई, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ दर्जनों कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी के आगे लेट गए और साफ तौर से जो अजय कुमार लल्लू है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको छुड़ाने का लगातार यह प्रयास करती रही। फिलहाल अजय कुमार लल्लू की आगरा से कोर्ट परिसर से जमानत होने के बाद लखनऊ पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई है, और उनके साथ जो विवेक बंसल और प्रदीप पूर्व विधायक प्रदीप माथुर थे उनको यहाँ पर छोड़ दिया गया है, लेकिन अजय कुमार लल्लू को लखनऊ पुलिस अपने साथ यहाँ से ले गई है। जी जी अजय, तो तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता हैं, इतनी अब भिड़ंत हुई है, झड़प हुई है, लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया है, क्या पुलिस प्रशासन इन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है कोई? देखिए, फिलहाल जिस तरह से यहाँ जो जमकर बवाल हुआ है प्रदेश अध्यक्ष को छुड़ाने के लिए, दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी, पुलिस के लगातार यहाँ पुलिस बल काफी फोर्स बुलाना पड़ा, वह मुश्किल जाकर यहाँ इनको जमानत मिली, और जमानत मिलने के बाद जिस तरह से लखनऊ पुलिस यहाँ से इनको लेकर गई, उसके इसको चलते यहाँ पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि दर्जनों कार्यकर्ता थे। आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता अनूप सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनूप जी, क्या जो लखनऊ पुलिस है वो गिरफ्तार करके ले गई अजय कुमार लल्लू को, क्या वो अभी लखनऊ पहुंच चुके हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से अजय कुमार लल्लू को लखनऊ पुलिस ने आगरा में गिरफ्तारी की, यानी पहले से बातचीत आगरा पुलिस की चल रही थी, उस समय लेट आगरा पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश किया था कल, जिस तरीके से उसके बाद फिर लखनऊ पुलिस वहाँ जो अंतरिम जमानत के पास कोर्ट के बाहर जब अजय कुमार लल्लू अपने दोनों साथियों के साथ निकलते हैं, उसके बाद
लखनऊ पुलिस उनको हिरासत में ले लेती, क्योंकि लखनऊ के हजरतगंज थाने में 420 467 68 के धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था, क्योंकि सरकार ने मुकदमा लिखाया था। सरकार को जिस तरीके से एक जो फर्जी लिस्ट की बसों की सौंपी थी, उस झूठ बोला था, उसको लेकर सरकार की तरफ से ही मुकदमा लिखा गया था। उसको लेकर लखनऊ पुलिस कल से मुकदमा लिखने के बाद अजय कुमार लल्लू की तलाश में थी। अजय कुमार लल्लू कल जिस वहां पे फतेहपुर सिकरी बॉर्डर पर मध्य प्रदेश जाने की घट में थे, क्योंकि उस समय बसों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस और सरकार के बीच सहमत की लड़ाई जारी थी, उसको लेकर वहां पर पहुंचे थे, जिसमें आगरा प्रशासन ने वहां फतेहपुर सिकरी से उनको जाने से रोका था और बॉर्डर क्रॉस उसके बाद फिर उनको गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया था। अजय कुमार लल्लू के साथ साथ जिस तरीके से पुलिस और जो अनुपात एक नहीं बल्कि आज शायद दो गिरफ्तारियां हुई हैं और एक कांग्रेस कार्यकर्ता है पुनीत, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई, उन्हें पुलिस में गिरफ्तार कर लिया और साथ में अब अजय कुमार लल्लू गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, तस्वीर हमारे पास आगरा की है, जहां पर जब पुलिस उनको लेकर जा रही है अजय कुमार लल्लू को, तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो लॉकडाउन को लंघन करते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हुआ है। पुलिस क्या उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखिए, कल आगरा में जिस तरीके से बॉर्डर पर बवाल हुआ, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। अजय कुमार लल्लू के साथ जो कार्यकर्ता थे, वहां पुलिसकर्मी थे, उनके बातचीत में आपने वीडियो जिस तरीके से वहां पर आया, किस तरीके से बातचीत वहां पर हुई, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे, ये पुलिस लगातार उनसे कह रही थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहां पर धरने पर बैठ गए, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से धारा 144 चालू है, उसके बाद भी जो वहां पर गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लगातार उनसे कहा जा रहा था कि एक तो 88 के तहत कार्रवाई की जाएगी और एक समय दिया गया था, लेकिन अजय कुमार लल्लू वहां से नहीं हटे। अंत में उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और जिस तरीके से कोर्ट में पेश किया, वहां से अजय कुमार लल्लू को आगरा से लेकर पुलिस लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी थी, अभी रास्ते में है, देर रात लखनऊ पहुंचेगी पुलिस और कल उम्मीद है कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट इस मामले को की गंभीर, शुक्रिया अनंत सिंह, अधिक जानकारी देने के लिए नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आगरा से अजेंद्र चौहान। अजेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन को लंघन किया गया है, इसमें कुछ लोग घायल भी हो गए हैं, फिलहाल की यहाँ पर स्थिति क्या है, क्या कांग्रेस कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जब जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर था, वो साफ तौर से प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को छुड़ाने के लिए यहाँ पर था, दर्जनों कार्यकर्ता यहाँ आए थे। इस जो प्रेस और इनकी आपस में भिड़ंत हुई, उसके चलते कई कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पर कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पूरी योजना थी, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को छुड़ाने के लिए यहाँ कांग्रेस ही आए थे। और यही आलम अगर देखा गया तो आज जो बड़ा मामला देखा गया, वो आगरा राजस्थान की सीमा पर देखा गया, जो बस कल अजय कुमार लल्लू के साथ आई थी, वो बस आज ही वहां थी और वहां जो ड्राइवर थे, उनकी परेशानी भी हमने दिखाई लगातार कि वो भूखे थे, उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। 400 से 500 बसें वहां पर सुबह से थी, लेकिन इस तरह से आगरा में जो ये दो दिन से, जो कल से लेकर आज तक कांग्रेसियों का ये नजारा देखने के लिए मिला है, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी परेशानी रही। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद्र चौहान, अधिक जानकारी देने के लिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बता, धोखाधड़ी के आरोप में लखनऊ में FIR दर्ज हो चुकी है अजय कुमार लल्लू पर, उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो 1000 बसों की सूची में लखनऊ RTO ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निजी संदीप सिंह पर भी आरोप लगाए हैं। खबरों में आगे बढ़ते